أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزم إذا شئت سهلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني वजिद ने आलमा आमीन याबल आज हम इनशा अल्लाह के ख़ास करम से और उसकी अता करदा तोफ़ी से हम सुरा की आयत नंबर ग्यारह से ऑनवर्ड देखेंगे आयत नंबर एलेवन से ऑनवर्ड इनशा पिछले आयात में जैसा कि हमने कल और उससे पहली जो क्लास हुई थी पिछले बुध को उसमें हमने देखा और हमें ये बहुत वजाहत के साथ और बहुत खुले अल्फाज में यह हम अंदाजा हुआ कि कुछ जो पिसे हुए तबके या पिछली पिछले कौमों में या पिछले लोगों में या पिछली जो रवाज रस्म रवाज चलते आ रहे थे उसमें कुछ लोग ऐसे जिनको उनके हकूक नहीं दिए जाते थे जिनके साथ ज्यादतियाँ जुल्म किए जाते थे उनमें औरतें और यतीम बच्चे जो हैं वो शामिल थे इसी वजह से सूर्य निसार जो है उसके शुरू में ही अल्लाह ताला तुझ इस अंदाज से आयात जो हैं वो वादे करना शुरू कर दी जिससे हमें इस इस मैटर की या इस इस जो इस तरह के अहकाम जो हैं उसकी अहमियत का अंदाजा होता है बहरहाल कल हमने जो देखा उसमें बहुत वाजाज में बहुत वाजाज के तार और बहुत वाज तरीके से बहुत खुले तरीके से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ये तीमों के साथ उसने सलूक का उनके माल को अगर वो माल यतीम के साथ माल तुम्हारे पास आ जाए तो उसको खर्च करने का कहाँ तक जायज है कहाँ तक जायज नहीं यतीम के माल को मुनासिब हद तक खर्च किया जाना ये इजाजत है वो जो निगरान है जो जो गार्डियन है उसका लेकिन अगर वो साहिब हैसियत है तो इसके लिए बेहतर यही है कि वो यतीम के माल को सेपरेट रखे और फिर अल्लाह ताला ने पिछली आयत के आखिर में कहा था कि अब वो लोग जो यतीम के मालूम को जुल्म करते हुए खा जाते हैं जुल्म करते हुए हड़प कर जाते हैं चाहे वो आ अ माल को फजूल खर्ची करके उड़ा दें चाहे वो गबन करके किसी तरह से अपने नाम कर लें चाहे वो इस नीयत से करें करें इस नीयत से वो माल को खाएं पिए कि उसके बड़े होने तक वो उसका माल जो है उसका बेषतरी सा या माल पूरा ही ख़त्म हो जा वो यतीम के बड़े होने तक तो जो भी किसी भी तरीके से जुल्म करते हुए यतीम के माल को खाते हैं तो दर हकीकत अपने पेटू में आग को बढ़ते हैं और वो अनकरीब वो एक भड़कती आग में भी झोंक दिए जाएंगे डाल दिए जाएंगे तो ये बहुत सख्त आयत थी उन लोगों के बारे में या उस हमारे उन कुछ मामलात के बारे में जिसमें कभी कभार हम देखते हैं कि हमारे माशरे में कोताहियाँ होती हैं और हमें जहाँ तक मुमकिन हो अपने इर्द गिर्द नजर रखनी चाहिए और इस तरह की बातें जो हैं उनको थोड़ा सा आ, मतलब एहसास एहसासदारी के तहत उनको बताना चाहिए ताकि कम अज कम वो लोग जो जिनके साथ इस तरह के हालात तो और वाक़ हैं उनके पास कम अज कम थोड़ी बुनियादी मालूम जो है वो रहें ताकि वो भी केयरफुल रहें बहरल हम आगे बढ़ते हैं आज अगली आयत की तरफ जैसा कि अगली अः जो आयात है उनका कल तस्करा हुआ था मुख्तर अंदाज में के वरासत की तकसीम के मतलब कुछ अहकाम हैं जो बहुत ही वाज अंदाज में अल्लाह ताला ने बयान की अगले अगली बेसिकली अगली दो बड़ी आयत हैं उनमें लेकिन ये दो आयत जो हैं ये पूरे के पूरे कानून वरासत का इहाता नहीं करती जो बुनियादी ज़रूरतें हैं या बुनियादी अहकाम हैं वो इसमें बहुत वाज हैं लेकिन इसके अलावा इसी सूरह के एंड पर जा के बाद में भी आ के कुछ और आयात हैं और इसके अलावा अदादी में इसकी बहुत ज़्यादा तफसील मिलती है तो अब कानून वरासत का जो पूरा ढांचा है या पूरा, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कायम किया जा सकता है या वो उसको नोट किया जा सकता है पूरी तफसील के साथ दूसरी आयात आने वाली जो हैं उनको भी मिलाकर और अदीस की रोशनी में भी तो लिहाजा यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे उसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और उसमें जो जो अहम नुक़े जो वाजे हैं बिल्कुल बल्कि वाजे ही हैं नुकते वो वो हम देखेंगे और बाकी जो कानून वरासत है उसका उसकी जो जो भी तकसीम का मामलात हैं वो केस टू केस बेसिस पे हमेशा केस टू केस बेसिस पे सॉल्व होते हैं क्योंकि जब भी कोई इंसान इस दुनिया से रुखसत करता है तो उसके पीछे जो तरका बचता है तरके के जो हिस्सेदार हैं जो वायरस हैं वो मुख्तलिफ कंडीशन में मुख्तल हो सकते हैं किसी के किसी को औलाद नहीं तो फिर उसको कैसे तकसीम करना है किसी की औलाद है तो फिर उसको कैसे करना है अगर बेटे और बेटियां हैं तो फिर कैसे होगा अगर सिर्फ बेटियां हैं तो फिर कैसे तकसीम होगा अगर बीवी भी, भी, भी जिंदा है या मतलब खावन जिंदा है तो उसके साथ कैसा मामला होगा वालदे जिंदा हैं तो उनके साथ फिर कैसा होगा तो ये सारे जितने भी मतलब वारिस हैं उनकी हैसियत या उनकी मौजूदगी को सामने रखते हुए केस टू केस बेसिस पे मतलब ये डिसीजन होते हैं या केस टू केस बेसिस पे मामला जो है ना उसको निपटाया जाता है तो लिहाजा हम यहाँ पर आज इनशा कोशिश करेंगे कि इन आयात का मुख्तर अलफा में तर्जमा देखें और उस तर्जमे में जो बहुत वाजहे तौर पर अल्लाह तला ने जो हमें हदायत दी उनको हम देखेंगे इनशाला तो उसके बाद फिर अगर जैसा कि जिक्र किया कि मजीद तफसत चाहिए तो फिर उसमें फिर कंपाइल करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों को जिसके लिए अहसन तरीका यही है कि जो केस है उसको पूरा वाज करके किसी साहिब इन जो है उससे मशवा किया जाए ताकि सही रहन और सही हदायत जो है अल्लाह के अहकाम के मुताबिक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के अहकाम और सुन्नत नबी सब जो है ना वो हमें पता चल सके बहरअलसी के साथ हुरू करते हैं इनशाला है आयत नंबर ग्यारह सूर नसा की यूसिकम्ला तुम्हें हुक्म देता है अल्लाह फी औला तुम्हारी औलाद के बारे में या तुम्हारी औलाद में लिजर के एक मर्द एक मर्द के मर्द के लिए या एक मर्द का हिस्सा मिसल बराबर है हैजुनस हज़ल उनसैन दो औरतों के हिस्से के बराबर दो हिस्सों के तुम्हें अल्लाह हुक्म देता है कि एक मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है यानी मर्द का औरत से दुगना औरत को जितना मिलेगा मर्द का मर्द को उससे दुगना हिस्सा मिलेगा फाइन फिर अगर हूँ हूँ सिर्फ औरतें औरतें निशान औरतें औरतें मतलब सिर्फ बेटियां जो उसके मरने के बाद पीछे जो औलाद बाकी है उसमें बेटे नहीं है ये मर्द का हिस्सा जो है इसका मुराद बेटे भी है या इसके मुराद और मर्द भी हैं जैसे बाप भी है या या भाई वगैरह वो डिफरेंट कानून के तहत या डिफरेंट कैलकुलेशन के तहत है लेकिन ये कानून एक जो है वो यहाँ पर वादे है कि जब भी मर्द और, और औरत के दरमियान तकसीम होगी जायदाद तो मर्द को औरत का दो गुना मिलेगा यहाँ पर भी ये केस टू केस बेसिस है ठीक है और उसके बाद अगर सिर्फ बेटियां हों उसकी कोई नरीना औलाद नहीं है सिर्फ बेटियां हैं फौका फौक फौक नहीं दो या दो से ज्यादा दो या दो से ज्यादा सिर्फ बेटियां हैं उसके बेटे नहीं है मर्द उलाद नहीं है फला तो उन बेटियों के लिए चलो सा दो तो माँ तरक्का जो उस मैत ने छोड़ा अगर तो बेटे हैं और बेटियां हैं बेटे और बेटियां दोनों हैं उस सूरत में बेटे को बेटी का दो गुना मिलेगा और अगर बेटियां बेटे नहीं है सिर्फ दो या दो से ज्यादा बेटियां है तो उस सूरत में उस मैयत ने जो तरक़ा छोड़ा है उसका दो तिहाई हिस्सा जो है वो मिलेगा उन बेटियों के दरमियान तकसीम हो जाएगा जितनी भी हैं दो या दो दो या दो से ज्यादा जितनी भी बेटियां हैं उस जायदाद का या तर्के का दो तिहाई हिस्सा उनमें तकसीम होगा व कानत वाहिदतन और अगर एक ही बेटी हो पिछला था अगर दो या दो से ज्यादा बेटियां हैं तो दो तिहाई अगर सिर्फ एक बेटी हो बेटा भी नहीं और बेटी भी सिर्फ एक है तो फिर फलाहा नस्फ तो इस सूरत में उसको आधी जायदाद या आधा तरका जो है ना वो उसके नसीब में है या उसको वो, वो दिया जाएगा वाली अब वही ही और उसके माँ बाप के लिए निकली वाहिद हर एक दोनों में से यानी उनके वालदेन उनकी माँ के लिए और उनके बाप उसके बाप माँ और बाप दोनों के लिए यानी कि बाप को भी मिलेगा और माँ को भी छठा हिस्सा मिलेगा यानी उसके छह हिस्से करें छह हिस्से एक हिस्सा जो है वो छठा हिस्सा हुआ और बाप को भी इतना हो गया माँ का माँ का भी उतना हो गया अगर उसके वालदेन भी हैं तो मिम्मा तारा का उस मैय ने जो छोड़ा जो भी उसने तरक़ा छोड़ा उसमें से इन इमकान अगर उसकी औलाद हो अगर उसकी औलाद हो यहाँ तक एक पार्ट जो कह लें ये आयत का वाजे हो गया कि अगर ये जो आखिरी आया है इसमें कि अगर उनकी औलाद हो अगर उसकी औलाद हो वो मर्द जो है जिस जो वफात पा गया जो भी मैयत है अगर उसकी औलाद है अगर उसकी औलाद है तो उसके बारे में क्या हुक्म है कि उसके वालदे अगर हम मौजूद हैं तो वालदेन में से हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा अगर उसके पास सिर्फ एक बेटी है तो उसको उस एक बेटी को जायदाद का आधा हिस्सा मिलेगा अगर दो या दो से ज्यादा बेटियां हैं तो उसको दो तिहाई हिस्सा उनके दरमियान तकसीम होगा अगर बेटे और बेटियां मिक्स हैं तो फिर फिर वो आ, मतलब औरत को मर्द को औरत का गुना मिलेगा ठीक है इसकी तफसीलात में यह भी है कि अगर इनमें से नहीं है अगर सिर्फ एक बेटा ही है तो फिर उसकी पूरी जायदाद जो है उस बेटे के नाम होगी लेकिन उसके बाद बाकी और कुछ और कंडीशन भी है बहरहाल अगर ये औलाद वाला साहिब औलाद बंदा है तो उसके लिए ये ये मतलब कानून है जो अभी जिक्र हुआ उससे पहले फिर उसके बाद क्या है फाइन यकुन फिर अगर ना हो वाहू वाला जुन उसकी औलाद अगर वो बे औलाद हो अगर उसकी औलाद नहीं साहिब औलाद नहीं तो सूरत में क्या है वह वा वारिसाहू अब वाहू तो उसके वारिस वारिस बन रहे हैं उसके माँ बाप अगर उसके वारिस जो हैं उसके वालदेन वाल, वालदेन उसके हयात हैं और उस, उस उसकी जायदाद जो है उनके वारिस उनके वालदेन को भी मिल रही है तो फिर फाल उम्मी हिलुस तो उसकी माँ के लिए है एक तिहाई माँ के लिए एक तिहाई हुआ तो बाप के लिए दो तिहाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा यानी माँ के लिए माँ का हिस्सा एक तिहाई और बाप का हिस्सा वो यहाँ पर हजफ है कि दो तिहाई हो जाएगा ठीक है अगर उसकी औलाद नहीं है तो फिर वो वालदेन में अगर वालदेन है और उनमें अगर वरासत जा रही है तो माँ का एक तिहाई हिस्सा है उसके बाद फाइन कान फाइन कानू इखवन और अगर उस मैय के भाई या बहने भी हों बहन भाई भी हों उस, उस मैत के फाली उम्मीद सुदस तो उसकी माँ का हिस्सा छठा हो जाएगा यानी पहले सिर्फ वालदैन हैं दूसरे बहन भाई नहीं है तो उस सूरत में माँ का हिस्सा है तीसरा वन थर्ड और अगर उसके बहन भाई भी हैं तो उस सूरत में माँ को हिस्सा मिल जाएगा छठा छठा हिस्सा माँ को मिलेगा और बाकी जो तकसीम होगा उसी तरह से जैसा कि पहले आज के पहले, पहले हिस्से में रूल एक डिफाइन हो गया कि औरत को सॉरी uh, मर्द को औरत का दुगना तो वो फिर जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें फिर वो इसे बड़ी आसानी से निकलाते हैं ठीक है तो अगर उसकी अगर उस उसके वालदेन के अलावा उसके बहन भाई हैं तो फिर भी फिर उसकी माँ को हिस्सा मिलेगा बिमबादी वसीयत वसीयत के बाद यूसी बिहा जो वसीयत करे जो वसीयत की है उसने जो वसीयत करे उसकी और दैनिन कर्ज की अदायकी के बाद वसीयत के बाद या कर्ज की अदायकी के बाद अब ये एक यूनिवर्सल रूल है वरासत की जायदाद की तकसीम का एक यूनिवर्सल रूल है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला को लिया है कि जब भी वरासत की तकसीम होती है तो हमेशा उससे पहले सबसे पहले उसका कर्ज जो है वो अदा किया जाएगा उसके बाद उसने अगर कोई वसीयत की है तो उस वसीयत को पूरा किया जाएगा और वो वसीयत हमने कल देखी थी ज्यादा ज्यादा से ज्यादा आपने तरके का वन जो है ती, तीसरा और वो वसीयत जो है गैर वारसों की होगी उस वसीयत में कोई वारिस जो है वो हिस्सादार नहीं होगा बहरहाल तो ये यूनिवर्सल रूल है कि सबसे पहले यहाँ पर जिक्र बाद में हुआ आ, लेकिन लेकिन उसका जो तरतीब है वो सबसे पहले है कि दिन इन कर्जा जो है वो सबसे पहले है उसे पीछे आ जाए तो वसीयत है उसके बाद वसीयत पूरा करना है और वसीयत पूरे करने के बाद उसके रिश्तेदार बाकी जितने हैं उनमें फिर किस तनासब से तकसीम होगी ये जैसा कि ऊपर जिक्र है या जैसा कि बाद में आएगा और उसके बाद अभी अबाकुम तुम्हारे माँ बाप व अबनाकुम और तुम्हारी औलाद ला दरूला तुम नहीं जानते तुम नहीं जानते अयुम के उनमें से उनमें से अकरब ज्यादा करीब है कि उनमें से ज्यादा करीब है लकुम तुम्हारे लिए नफा नफा पहुँचाने में तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ बाप और तुम्हारी औलाद में से तुम नहीं जानते कि कौन ज्यादा करीब है तुम्हारे लिए नफा के लिहाज से यानी तुम्हारी अगर औलाद भी है और वालेन भी है तो तुम्हें इस बीच चीज़ का अंदाजा नहीं कि वालदेन और औलाद में से तुम्हारे लिए ज्यादा नफा बख्श कौन है इसका तस्करा यहाँ पर इसलिए हुआ कि आम तौर पर जिस तरह से औरतों को या खास तौर पर बहनों को आ, मतलब इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती वरासत की तकसीम में या उनको जज्बाती तौर पर या उनके मतलब ऐसे ही उनसे बस प्यार मोहब्बत से बात करके उनसे अपना हिस्सा जो वो लिया जाता है तो उसके अलावा एक ये भी सोच कभी पाई जा सकती है कि अब वालदे जो हैं वो बूढ़े हो चुके हैं उन्होंने क्या अपनी जिंदगी गुजार ली अब उन्होंने क्या करना है जायदाद का औलाद जो है वही हकदार है उनके आगे आने वाले मामला हैं उन्होंने आगे जिंदगी गुजारनी है उनके अब खर्चे ज्यादा हैं तो ये वो इसलिए ज्यादा प्रेफर जो है औलाद को किया और वालदे को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया या थोड़ी सी प्रेफरेंस नहीं दी तो इस तरह के मामला भी हो सकते हैं तो यहाँ पर यह सराहत के साथ ये वाजे कर दिया अल्लाह ताला ने कि अगर तुम्हारे पास वाले भी हैं और औलाद भी हैं ठीक है ठीके? अगर मरने वाला जो है उसके वालद भी हैं और औलाद भी हैं तो तो तुम्हें नहीं पता किसी को भी नहीं पता कि उन पताद में या और औलाद में उसके लिए नफा बक्श ज्यादा नफा बक्श कौन है वालदेन की अपनी एक अहमियत है वो उनकी अपनी एक दिली मोहब्बत है उनके साथ उसके उनका अपना एक लगाव है उनके ऊपर खर्च किया जाना या उनके नसीब में अः मतलब कमाई जो है वो, वो उसको ले आना उसकी एक ज्यादा अहमियत अफादियत है उसके डिफरेंट हैं औलाद की तरबियत के लिए खर्च करना या औलाद के लिए मतलब कोशिश करना उसके अपने फायदे और अपने उसके आजर हैं तो तुम्हें नहीं पता कि औलाद में और वालदान में तुम्हारे लिए क्या कौन ज्यादा नफा बख्शा जाए तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है जो हर चीज को ज़ाहरी और बातनी को बहुत अच्छी तरह से अहाता किया हुआ आपने इलम के हिसाब से तो ये आय का हिस्सा जो ये इस बात की वजाहत करता है और अहमियत को उजागर करता है कि वाले को इग्नोर नहीं करना बल्कि उनका जितना हिस्सा अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है उनको उसका इस, उनका उतना हिस्सा जो है वो उनको देना है फरीज्ला मुकर्रर किए हुए हैं अल्लाह की तरफ से ये सारे जो कैलकुलेशन हैं, ये सारे जो तनासब हैं ये अल्लाह की तरफ से मुक्र किए अल्लाह से अल्लाह की तरफ से आ, मतलब फर्ज कर दिया गया या बयान कर दिए गए या इम्प्लीमेंट कर दिए गए मुकर कर दिए गए इन अल्लाह बेशक खूब जानता है और खूब हमत वाला है सब कुछ जानने वाला है और खूब हमत वाला है अल्लाह की के जो अल्लाह तला ने मतलब जिक्र किया जिसको अल्लाह तला ने इम्प्लीमेंट कर दिया नाफज कर दिया इंसान की जिंदगी में या मोमिन की जिंदगी में उसकी सही हमत ज़ाहरी तौर पर हमें कुछ जो है ना कुछ हद तक समझ आ भी सकती हैं लेकिन उसकी असल तो अल्लाह ही है और मैं अगर हम ज्यादा डिटेल से देखें जैसा कि मैंने जिक्र किया कि हदीस को जमा करके और बाकी आयात को जमा करके और ये आयात को जमा करके एक कानून वरासत जो है उसको हम च, उसका चार्ट बनाए और उसको जब इम्प्लीमेंट करें तो हमें अंदाजा होता है कि कितनी खूबसूरत कैलकुलेशन है मतलब यहाँ पर तो खुटोली सी घुटमुट लगती है कि अगर अगर है तो उसमें से इतना है अगर माँ का खाली इतना है औलाद अगर है तो इतना है औलाद नहीं है तो इतना है मर्द का कितना है औरत का कितना है एक बेटी है तो कितना है दो या दो से ज्यादा है। तो कितनी यहाँ पर जब हम एक ही जगह पे देखते हैं तो हमें कुछ कम्प्लिकेशन लगती है लेकिन जब हम उसको तरतीब से बैठ कर देखते हैं तो सुबहानला इसमें इतनी खूबसूरती से और इतने इंसाफ के साथ ये जायदाद तकसीम होती है जिसका मतलब जिस जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते और उसमें कभी अक्सर ये भी जहन में आ जाता है जा ख़ार का नॉन मुस्लिम टाइप में हम इवन के मतलब कुछ हमारे आ, हमारे दीन में भी कुछ कुछ को जो महसूस कहने हो सकता है कि औरत को मर्द का आधा क्यों या मर्द को दो गुना क्यों तो उसकी भी बहुत सारी आ, मतलब हमतें हैं कि मर्द को तो यानी मर्द को तो जो जायदाद मिलेगी या जो वो कर रहा है वो उसको आगे फर्दर तकसीम भी कर देना है और उसी रेशो से उसको तकसीम करना है लेकिन औरत जो है वो यहाँ से हिस्सा ले रही है उसको बाप बाप की जायदाद में से भी हिस्सा मिल सकता है उसको अपने खावंद की जायदाद में भी है? तो खावंद की खावंद और बाप दोनों की तरफ से है और दोनों की तरफ से उसको मिलेगा उसके अलावा और भी बहुत सारे इदारोशु जिनका यहाँ पर नहीं जब हम पूरी तफसील के साथ पढ़े तो उन्हें इसमें बहुत खूबसूरती नजर आती है।, बहुत रबत आता है और बहुत ही तरतीब नजर आती है बहरहाल तो अल्लाह तला जो है उसकी जो सही पन्हा हमतें हैं उस तो तकसीम के पीछे वो अल्लाह तुम है वो उसको तो खूब जानता है वालकुम और तुम्हारे लिए नस्फ है या आधा है माँ तारा का अजवाजुम जो तुम्हारी बीवियां छोड़ जाए अग पहले जो था वो मर्द का था कि अगर कोई मर्द फोत हो जाए तो उसका उसका तरका जो है वो कैसे तकसीम होगा यहाँ पर है कि औरत अगर फोत जाए या तुम्हारी अगर बीबिया फोत हो जाए छोड़ जाए कुछ तो फिर उसमें से तुम्हारा आधा हिस्सा है किस सूरत में आधा हिस्सा है इन लम यकुलना अगर ना हो उनकी वालद यानी अगर वो औरतें जो हैं वे बे औलाद हों मतलब वो बे औलाद कोई औलाद नहीं है उस सूरत में को आधी जायदाद या आधा जा मिल जाएगा काना अगर हो लहन उनकी औलाद उन औरतों की औलाद भी हो उस औरत की अगर औलाद भी है कोई बेटे बेटियां जैसे भी हैं तो उस केस में फालक उम्र रबू तो उस केस में तुम्हारे लिए तो तुम्हारे लिए है चौथा हिस्सा अगर औलाद नहीं है तो बीवी में से बीवी की जो तरका है उसका आधा हिस्सा मिलेगा और अगर औलाद है तो फिर चौथा हिस्सा मिलेगा और बाकी हिस्से को फिर कैसे तकसीम करना है वो बाकी कैलकुलेशन या बाकी जितने भी वारस हैं उनकी उनके हिसाब से उनकी काउंट के हिसाब से मिम्मा तरक ना जो उन्होंने छोड़ा जो उन औरतों ने छोड़ा उस तरके में से मिम्बादी वसीयतिन यो उसी न, उस, उस तकसीम के बाद उस वसीयत के बाद जो वो कर जाए उस वसीयत के बाद जो उन्होंने अगर कोई वसीयत कर रखी है तो उसके वसीयत के बाद वो बिहा वो उस वसीयत के बाद बिहा और दैनिन या कर्ज की अदायगी के बाद यहाँ पर भी फिर वही रूल दोबारा दोहराया गया कि अब जो भी तकसीम हो रही है उस औरत की भी जो तरका तकसीम हो रहा है तो उस तरके में भी सबसे पहले जो है वो कर्ज की अदायगी अगर उसके वाजिब उसके जिम्मे कोई कर्ज है तो उस कर्ज की अदायगी होगी उसके बाद उसने अगर कोई वसीयत छोड़ी हुई है तो उस वसीयत पर अमल होगा और उसके बाद जो हिस्सा बचेगा उस हिस्से को तकसीम करना है बाकी जो भी वक्त वारे उनके उनके मा बहन वोला रुबू और उन बीवियों के लिए चौथा हिस्सा है पहले जो पहली आयत में हमने देखा था कि तो मतलब औलाद के लिए था और वालदेन के लिए था अब है मियाँ और बीवी का आपस में कितना है तो कि, पहले हिस्से में हमें पता चल गया कि अगर बीवी औरत फोत हो जाए तो उस सूरत में उसका जो मर्द है खावन है उसका कितना हिस्सा है अब दूसरे हिस्से में है वलहुन्ना रूबू वलहुन्ना रूबू तो उन बीवियों के लिए वलहुन्ना उन औरतों के लिए उन बीवियों के लिए रूबू चौथा हिस्सा है उसमें से जो तरक तुम तुम छोड़ जाओ ये तुम छोड़ जाओ से मर्द अगर आ, मर्द जो है खामद जो है वो अगर तरका जो भी छोड़ के जाए तो उस तरके का चौथा हिस्सा है बीवियों के लिए इन लम यकुन बशरते के ना हो लकुम तुम्हारे लिए वालदन औलाद अगर बे औलाद है अगर साहब औलाद नहीं है तो उस सूरत में बीवी को चौथा हिस्सा मिलेगा फा लम फाइन लम फाइन फा फा कान फिर अगर हो लकुम तुम्हारे तुम्हारी तुम्हारी औलादलाद और अगर तुम्हारी औलाद हो साहब औलाद हो फुमन तो तुम्हारे लिए है आठवां हिस्सा तुम्हारी बीवियों के लिए उन तो उन बीवियों के लिए है आठवां हिस्सा अब यहाँ पर भी हम देखें अगर के औलाद नहीं है तो मर्द को कितना हिस्सा मिल रहा था आधा और अगर औलाद है तो चौथा यानी आधा और चौथा मर्द में तकसीम हो रहा है लेकिन अगर औरत है तो औरत तो में देखें चौथा चौथा हिस्सा और आठवां हिस्सा चौथा हिस्सा और आठवां हिस्सा यानी आधे को भी मजदीर आधा अगर कर दें तो वो चौथा बनता है मर्द की सूरत में आधा है औरत की सूरत में चौथा है बे बे औलाद उन्हें अगर तो अगर औलाद वाले हैं तो मर्द के लिए जो है वो चौथा हिस्सा है और औरत के लिए आठवां हिस्सा है वो वही रूल जो है जो यूनिवर्सल रूल शुरू में हमने पढ़ा था कि मर्द को औरत का दो गुना मिलेगा तो वो भी जब हम ज्यादा डिटेल देखेंगे तो इस तरह की बहुत सारी खूबसूरतियां हमें नजर आती हैं में इस इस अल्लाह ताला ने यहाँ पर नाफिज कर दी, जो ताला ने नाफिस कर दी हमारे माशरे में बहरहाल अगर तो औरतें हैं और मतलब अगर जो मर्द अगर फोत हो जाए तो बीवियों का हिस्सा है चौथा हिस्सा अगर साहिब औलाद है और अगर साहिब औलाद नहीं तो उस सूरत में बीवियों का हिस्सा जो है वो आठवा हिस्सा है निम्मा तरक तुम जो तुमने छोड़ा है मिम आदि वसीयत इन वसीयत के पूर्व तक यूँ सुना जो तुम सब जो वसीयत की तामील के बाद जो तुम सब वसीयत करो उस वसीयत को पूरा करने के बाद जो एक मैयत ने की बिहा इसकी आओ या कर्ज की फिर दोबारा से वही रूल आ गया कि कर्ज की अदायगी और वसीयत के बाद जितना बाकी बचेगा उसको फिर वर्षा में तकसीम होगा कर्ज की अदायगी सबसे पहले और उसके बाद वसीयत का पूरा करना और उसके बाद बाकी जितना तरका बचेगा उसको फिर तकसीम करना वाइन रजुल और अगर हो मर्द ऐसा कोई मर्द अगर कोई ऐसा मर्द हो प्योरासू जिसकी वरासत तकसीम की जाती कलालतन कला कलाला कलाम रात या एक ऐसी औरत हो ऐसी ही कोई औरत हो अगर कोई मर्द या औरत जिसकी जायदाद तकसीम हो जाती है जो मर्द है वो या औरत जो भी है अगर वो कलाला हो कलाला से क्या मरद मुराद है जिसका ना तो बाप है और ना ही बेटा है यानी बाप भी नहीं और बेटा भी नहीं ठीक है वो मर्द या औरत जो फोत हो जाए और उसके फोत होने के बाद उसका बाप भी नहीं है और उसका बेटा भी नहीं है उसको कलाला कहते हैं तो वो कोई औरत या मर्द जो कलाला है व इस व इस हाल में के लाहू उसका अखुन एक भाई हो आखतुन या एक बहन वो कलाला है यानी कि उसका बाप भी नहीं है और माँ भी नहीं है और उसका एक भाई या एक बहन है एक भाई है या एक बहन है अब ये भाई जो बहन है ये आ, ये हमें तफासिर में मिलता है कि ये वो भाई और बहन है जो जो खानी खयानी बहन भाई, है।, बहन भाई से मुराद है कि वो बहन भाई जिनकी माँ तो एक हो लेकिन बाप अलग हो यानी कि उनके जाए जाए जो जो है भाई जो है भाई या बहन है जो माँ की तरफ से सगे हों लेकिन बाप बाप की तरफ से ना हो बाप की तरफ से सगे ना हो ठीक है तो इस इस आयत के इस हिस्से की तफसीर जो है वो इस तरह से है कि कलाला यानी कि ना तो बाप है उस औरत का या मर्द का ना ही ना ही बेटा है लेकिन उनके खयानी भाई, भाई भाई या बहन है ख्यानी भाई या माँ की तरफ से माँ की तरफ से सगे भाई या बहन है तो उस सूरत में क्या है फालिकली वाहिदिन तो हर एक के लिए है मिन हुमा उन दो उन दोनों में से उस सु छठा हिस्सा तो उस भाई को या बहन को छठा हिस्सा मिलेगा उस जायदाद का फाइन कौन मिन जालिक फिर अगर वो सब इससे ज्यादा हों पहले था, था कि एक बहन या एक भाई हो तो उस सूरत में छठा हिस्सा मिलेगा लेकिन वो अगर ज्यादा है दो या दो से ज्यादा बहन भाई हैं तो उस सूरत में क्या होगा फहम शुरका हो तो वो सब शरीक होंगे फिर सुलस एक तिहाई जायदाद के जायदाद के एक तिहाई हिस्से को उन सब में तकसीम कर दिया जाएगा अगर एक ही भाई या बहन है तो उस सूरत में उनको <coughs> मादर उस सूरत में उनको छठा हिस्सा मिलेगा लेकिन अगर वो तादाद में दो या दो से ज्यादा हैं तो फिर उस सूरत में उनको जायदाद का तीसरा हिस्सा जो है वो तकसीम कर दिया जाएगा मिम वसीयत वसीयत के बाद वसीयत के पूरा करने के बाद यू जो वसीयत कर जाए वो यानी वसीयत वसीयत जो की जाएगी उस वसीयत को पूरी के पूरा करने के बाद बिहाउदी या उसकी कर्ज की अदायगी के बाद ये दोबारा से फिर वही रिपीट कर दिया कि उसकी वसीयत और उसकी कर्ज की अदायगी के बाद जो बचेगा उसको तकसीम करना है गैर मज़ार बशर्ते के वो नुकसान पहुंचाने वाला ना हो अब तीन दफा तकरीबन आ गया कि कर्ज की अदायगी के बाद और वसीयत पर अमल करने के बाद बशर्ते के वो नुकसान पहुंचाने वाले ना हो वसीयत नुकसान पहुँचाने वाले ना हो अब नुकसान पहुँचाने वाली क्या हो ना हो सबसे पहले तो नुकसान पहुँचाने वाला कर्ज के बारे में है कि कर्ज अब मैय जो है वो तो गुजर चुका वो मर्द इंसान या औरत या जो मर्द जो भी है वो तो इस दुनिया से रुखसत हो चुका अब उसके पीछे जो जिस जिसको माल तकसीम होगा उसका या वरासत तकसीम होगी उसमें सबसे पहले कर्ज है तो कर्ज भी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं यानी कि किसी ने ना नक मुतालबा नहीं कर लिया कि मेरा इतना उसने पैसे लिए हुए थे जो मुझे वापस चाहिए ठीक है जो उसका हक है सिर्फ वही इसी तरह वसीयत में अगर कोई वसीयत करने में उसने कोई कोताही होगी उसे या वसीयत में कोई इस तरह का अमल हो गया जो इस्लाम के किसी अल्लाह के किसी हुक्म का मुनाफी है ठीक है या वसीयत में कोई किसी ने कोई रद्द बदल कर दी तो इस तरह का भी कोई नुकसान ना हो वसीयत करने में क्या ना इंसाफी हो सकती है माज अल्लाह कि अगर उसने वन थर्ड एक तिहाई से ज्यादा वसीयत कर दी जानते बूझते हुए या या ला इलमी में अक्सर लामी में ऐसा हो जाता है कि मैं आधी जायदाद जो अपने फलां बेटे को दे देता हूँ हालांकि वो, वो इस तरह से नहीं कर सकता है। वारस को वसीयत भी नहीं कर सकते और तीन चौथाई चौथाई से ज्यादा वसीयत भी नहीं की जा सकती अब उसके मरने के बाद जब वसीयत पेश हुई और सबके सामने पता चला कि उसने ये वसीयत की थी उसके वकील के पास या उसके करीबी जो भी रिश्तेदार हैं जिसको जिसको उसने वसीयत बताई थी तो उसकी वसीयत के वाजे होने के बाद पता चलता है कि हाँ इसमें तो थोड़ी सी ये कमी बेशी थी तो उस कमी बेशी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एडजस्ट किया जा सकता है लेकिन उसमें भी किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी पाई अगर उसकी वसीयत जो है काम शरीयत के मुताबिक पूरा उतरती है तो फिर उसके उसके ऊपर उसी तरह से मिन अमल करना चाहिए उसी उसके अलावा गैरमजार जो है ये अभी ये आखिरी हिस्से में इसीलिए आया है कि इसका जो तलक है पिछली आयात के सारे हिस्सों से है इसी तरह से तकसीम जो जायदाद है वारसों में वालदेन के लिए बहन भाइयों के लिए या औलाद के लिए बेटों के लिए बेटियों के लिए या बीवी या खावंद के लिए जितना हिस्सा है उस हिस्से की तकसीम में भी उनके साथ किसी को नुकसान ना हो किसी के साथ ज्यादी ना हो उसको भी पूरा मलहूज खातर रखा जाए कि जिसको जितना हिस्सा बनता है, है तो बशरते वाला ना हो यानी कि हर मामला जो है वो इस तकसीम के मुताबिक इस वसी इस तरतीब के मुताबिक या इस रेशो के मुताबिक होना चाहिए या बाकी जो कानून वरासत जितने भी हैं टोटल ओवरऑल उन सबकी रेशो के मुताबिक ना के किसी के साथ ज्यादती करके और यकीन जब अल्लाह तहकाम के, के सामने खुले और वाज तार पर आ तो फिर किसी को किसी को इतराज करने का भी कोई जवाब नहीं कि मेरा हिस्सा कम क्यों है मेरा हिस्सा ज्यादा क्यों ये तो अल्लाह तला की तकसीम है और पिछली आयत में हमने देखा था कि अल्लाह तला ही उसकी हमत को खूब अच्छी तरह से जानता है वसीय तम मिनल्ला की तरफ से हुक्म है ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है अलीम हलीम। और अल्लाह ताला जो है सब कुछ जानने वाला और बहुत ही तहमल करने वाला है बहुत ही बुर्दबार है बहुत ही हलीम है ये सारे जो भी रेशोज अल्लाह ताला ने बयान किए ये शारी तकसीम के जितने भी मतलब तनासब जो है वो जिक्र हुआ ये अल्लाह ताला का हुक्म है और अल्लाह ताला के हुक्म को उसी तनासब से, से जो इस इन आयात में मिलता है या बात वाली कुछ आयात में यादी नबीम की रोशनी में उनकी रोशनी में ही पूरा करना ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बहुत ही तहमल वाला है तिलका हद्ही ये अल्लाह तला की तरफ से मुकर करदा हदे हैं ये अल्लाह तला की तरफ से मुकर करदा हदे हैं वी अल्लाह और जो अत करेगा अल्लाह की वह रसूल और उसके रसूल सल्लाम की तो बागत में जन्नत में या बागात में जो अल्लाह ताला की करता है और उसके रसूल वसल्लम की अत करेगा इतात करेगा तो वो अल्लाह उसे जन्नतों में या ऐसे बागात में दाखिल करेगा तजरीबी बहती हैं उनके नीचे से नहरें जिनके उन के नीचे या जिनके नीचे नहरें बहती होंगी खालिदीन फी वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे वजाल फौजीम और ये बहुत बड़ी कामयाबी है एक इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी जन्नत का फसूल है जिसमें जो अल्लाह ताला के अहकाम को जो भी जिस तरह से भी पासदारी करके आखिर में अल्लाह ताला के फजल को समेट कर क्यामत में जाने के लिए क्यामत में दाखिल होने में कामयाब हो गया तो दर हकीकत यही असल कामयाबी है यही असल आ, असल मंजिल है जो उसने हासिल कर ली वमन और जो यासी नाफरमानी करेगा अल्लाह की और जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करेगा वह रसूल हो और उसकी रसूल की अल्लाह तला की और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा जैसा कि जिक्र हुआ कि अल्लाह तहकाम इस कुरान की सूरत में और नबी किम सल सम की अहदीस और सुनत के मुताबिक नबी किम सल वल्लम की इताथ के अतात है ठीक है तो उस जो अल्लाह तला के अल्लाह ताली और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा उसके किसे में, किसी किसी हुक्म में ज्यादा करेगा या कोई ज़ुल्म करेगा या कुछ नाशाफी करेगा तो उस सूरत में वदूद्ल हदू और उसकी हदूदों से तजावज करेगा उसकी हदों से उसकी हदों से तजावज करेगा युद्ध खिल युद्ध खिल नारन वो दाखिल करेगा उसे आग में तो यकीन जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा तो अल्लाह ताला उसे आग में दाखिल करेगा खाली दन फी है वो हमेशा रहेगा उस आग में उसमें वाला और उसके लिए अजाब मुहिन बहुत रसुआ कर देने वाला आजाद है और उसके लिए बहुत रसुआ कर देने वाला आजाद है ये देखें ये कानून विरासत का भी यहाँ पर जो जिक्र आया दो पहत जो है आयत नंबर ग्यारह और बारह में तफसील के साथ अल्लाह तला ने आ, मतलब रेशो जो है वो बयान कर दी कि मुख्तलि जो वारस है उनकी रेशो कितनी होगी वालदान के लिए कितनी है बेटे और बेटी के लिए कितनी है अगर एक बेटी है तो कितना है अगर दो या दो से ज्यादा बेटिया तो कितनी है अगर मर्द औरत और का कितना हिस्सा है अल्लाह वो पूरी जो है वो पर कर दी दो आयात में और उससे अगर आने वाली दो आयात में अल्लाह तजाहत के साथ जो पहली तेरह नंबर आयत में जो अल्लाह तला के हुक्म की और मतलब नबी किस के हुक्म की एतात करेगा तो उसके लिए जन्नत की बिशारत है और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु थाले अलैहि के की नाफरमानी करेगा और से तिजावत करेगा तो उसके लिए उसके लिए आग के अजाब की वहीद है और इसकी वजह ही यह है कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें हम आज भी पहले जमाने को तो चलो भूल जाना पहले जमाने में तो लोगों ने जो किया उनके अपने मतलब किरदार थे चाहे वो जिस तरह भी कर रहे थे लेकिन आज के दौर में भी अगर हम देखें तो खासकर कानून वरासत जो है वरासत की तकसीम में अक्सर अवकात जो है बहुत स बहुत सारी नासाफ़ियाँ कर जाते हैं हम और इनमें से इसके ऊपर और भी अफसोस है तो अक्सर हमें उन नाइंसाफियों का पता भी होता है लेकिन फिर भी हम नाइंसाफी हमसे हो सरत हो भी जाती है और कभी हम खुद भी कर जाते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कानून वरासत जो अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही वाज अल्फाज में वाज अंदाज में और रेशोज बता बता के इतने परसेंट या इतना एक तिहाई एक चौथाई या तीन दो तिहाई कितना है वो रेशोज जो पूरी वो बता दें जब उनको हम बैठ कर तरतीब से लिखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत कैलकुलेशन जो है वो सामने आती है और बहुत ही आसान भी है इसमें कोई कम्प्लिकेशन भी नहीं है इतनी आसानी के बावजूद इतने वजाहत होने के बावजूद अगर हम अल्लाह और उसके हुक्म की नाफरमानी करें तो यकीन अल्लाह ताला जो है वो तो फिर हक रखता है कि तो उसको सजा मतलब उसके जो भी अमल किया है किसी इंसान ने उसको उस अमल के मुताबिक उसका बदला दिया जाए तो हम इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में इन आयात को समझने की तो फरमाए और सही में हमें अपनी इसको अपनाने की हिम्मत और तफ़ी दे और हम देखें जब भी देखें कि कोई मामला ऐसा हमारे इर्द गिर्द किसी आ, किस, किसी किसी अपरचर हमारे करीबी रिश्तेदारों में या जानने वालों में और जहा पर हो मुमकिन तो हम जरूर थोड़ी सी थोड़ी सी मतलब तरगीब दे दें कि यह मामला अगर तुम्हारे साथ हुआ है तो कोशिश करो जो अल्लाह नेत किए हैं और सल्लम के जो जो सुन्नत और अहकाम हैं उनके मुताबिक करो ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इसके साथ ही फिर आज का ये दर्द ख़त्म करते हैं इनशाला आज आग इससे आगे आने वाली आयात जो एक डिफरेंट मौजू है जिसको हम कल इनशा शुरू करेंगे तो इस इसमें इस, इस अगर किसी को कुछ ऐड करना है तो वो आप जरूर कर सकते हैं इनशा अच्छा यहाँ पे एक बात मैं छोटी सी पूछनी थी जैसे आपने बताया कि अगर एक ही बेटी है जो आदमी फोत हुआ है या अगर और उसकी एक बीवी है या फर्ज करें बीवी नहीं है तो इस कंडीशन में आप बता रहे थे ना कि बेटी को आधी आधी मतलब आधा हिस्सा मिलेगा हुँ. तो वो जो बाकी का हिस्सा है आधा हिस्सा उसकी तकसीम का कैसे होगा सुछा? वो एक हदीस है हदीस है या आगे आने वाली याद है हदीस है कि आ, मतलब जो तरके में से तरके में सा सारी एक तो ये है जैसे मैंने जिक्र किया कि यहाँ पर जो रेशोज है ना वो हमें थोड़ी सी आ, मतलब ऐसी लगती है कि मतलब और, मतलब बेटी को तो आधा हिस्सा मिल गया तो बाकी आधे का क्या होगा अगर उसकी उसके उसकी माँ है तो उसको भी इसका हिस्सा मिलेगा अगर उसके वालदान है तो उसमें उसको भी उनमें से हिस्सा मिलेगा ठीक है तो एक हदीस के मुताबिक के उसको जित अगर तरके में से जो बाकी बच जाएगा तो उसको जो उस मैय का जो सबसे करीबी मर्द जो रिश्तेदार है जो सबसे करीबी मर्द रिश्तेदार उसमें मतलब जिक्र हुआ कि आमतौर पर चचा चा ताया वगैरह जो वो शामिल हो सकते हैं तो वो जो सबसे करीबी मर्द है उसको वो हिस्सा जो है ना वो जायदाद का तकसीम हो जाएगा जो बाकी बचेगा लेकिन मुख्तलिफ रेशो को जब हम आगे पीछे करें ना मतलब हम कहते हैं जी कि मेरा हिस्सा इतना है लेकिन मेरे वालदेन का भी इतना निकलेगा मेरे दूसरे बहन भाइयों का भी इतने निकलेगा और दूसरे जो है वहबाब उनका भी उतना ही निकलेगा तो सब जब कैलकुलेशन करेंगे तो आमतौर पर हम पूरी हो जाती है जायदाद आमतौर पर इस तरह का मामला नहीं होता कि बाकी कुछ भी नहीं बचा बहर कुछ करना जी बाहर और उसके अलावा जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि हम ये आयात जो पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारे लिए जो बेहतर तरीका वो यही है कि नंबर एक तो हम ये, ये सारा मामला जो है वो केस टू केस बेसिस पे डिस्कस होता है हमेशा हमेशा केस टू केस बेसिस पे के उसके उसकी जायदाद कितनी है उसका कर्जा कितना था उसकी वसीयत जो है अगर वो कितनी थी उसके बाद उसका बाकी कितना तरक़ा बचा है उस तरके को मतलब तकसीम करने के लिए उसके वारस कितने हैं उन वारसों की मौजूदगी में फिर उनकी कैलकुलेशन होती है तो ये एक तो ये है कि ये ये पूरा एक सेपरेट जो है ना वो मतलब टॉपिक है जो केस टू केस बेसिस पे हमेशा केस टू केस बेसिस पे होता है नंबर एक नंबर दो इन आयात में इसके बाद सुरह निसाब में बाद में आने वाली कुछ आयात हैं एक दो उनकी रोशनी में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हैं जो बहुत वजा, वजाहत के साथ हैं उनकी रोशनी में ये जो मामला जो है ना ये फाइनलाइज्ड होता है फिर ठीक है तो इसलिए तो दूसरा जो है कि जब भी ऐसा मामला हो तो अक्सर अवकात मैंने देखा है कि अक्सर जो हम जब हम थोड़ी सी सिंपल कैलकुलेशन करें तो हमें बहुत आसानी से नतज मिल जाते हैं लेकिन कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो हम साहब इम जो है किसी के पास अगर रुझू करें तो वो हमें बहुत आसानी से गाइड भी कर सकता है इस मार्केट में और बहुत आसानी से हम ये ये जो वरासत की जो तकसीम है उसको हम आ, मतलब अमल भी कर सकते हैं उसके ऊपर وما علينا الا البلاغ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته